ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सुबह हो चुकी है और मैं भी सोकर उठ चुका हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा काम है मेरे। मैं आप लोगों को पता है, लास्ट टाइम आपने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको अपने पेट्स दिखाए थे, उन सब पेट्स के लिए थोड़ा सा सामान खरीद के लाना है मेरे को, लाइक उनके लिए थोड़ी मेडिसिन वगैरह लानी है, थोड़ी डिटेल भी जाननी है उन भाई से। और जाने वाला हूँ आज मैं, जब से लॉकडाउन हुआ है आज मैं फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा हूँ, और वो भी मेरे को काम था तो इसलिए जाना पड़ रहा है मजबूरन। और वैसे भी मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और आपको वहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ पे एक से एक बेहतरीन आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ, लाइक आपको बर्ड्स दिखाने वाला हूँ, और टेम बर्ड्स होंगे और बहुत ही अच्छे प्राइजेस में होंगे। भाई से बात करेंगे, सारी डिटेल आपको दूँ। चलिए चलते हैं, लेकर चलता हूँ। उससे पहले ये देखो, इन लोगों ने भाई मेरा फ़ोन ले लिया है, और फ़ोन देते नहीं है मेरे को, पूरे दिन पबजी खेलते रहते हैं। और इन लोगों ने भाई सच में मेरा फ़ोन हत्या रखा है, कुछ भी काम हो मेरे को ये लोग कभी फ़ोन नहीं वापस देते मेरे को, कहते पहले एक बारी कंटिन्यू खेलते रहते हैं, उसके बाद भाई मेरा टाइम निकल जाता है। ये कौन लेता है भाई मेरा फ़ोन? हु इज़ अ पबजी प्लेयर, हु इज़ अ प्रो प्लेयर? उतर यार, टेल मी टेल मी। देख रहे हो भाई कितने ज्यादा व्यस्त हैं गेम के पीछे, ये हाल है आजकल सब लोगों का, पबजी के पीछे इतना लोग क्रेजी हो गए हैं, और देखते ही नहीं आगे पीछे कौन क्या बोल रहा है, सुनते ही नहीं भाई, सच में मेरा भी नहीं सुन रहे। बट कोई नहीं, चलते हैं जल्दी से, लेकर चलता हूँ जल्दी से, ड्रेस चेंज करता हूँ और मिलवाता हूँ आपको भाई से। सो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, आप जैसा देख पा रहे हो बहुत हाई गर्मी हो गई है, तो जल्दी से चलते हैं, ड्रेस चेंज करता हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी जल्दी से आपको भैया से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या उनके पास होगा, वो जल्दी से दिखाएंगे, पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और मिलते हैं भाई से। तो भैया का नाम क्या है आपका? हेलो, मेरा नाम विजय है, और हमारा जो ये हॉबी का स्टोर है इसका नाम है दिल्ली एक्सोटिक एनिमल्स, जो इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है, वो भाई आपको लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, लिंक मिल जाएंगे। और मेरा फोन नंबर अगर आपको चाहिए होगा तो भी, वो भी सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भैया जी। और क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपका? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी बर्ड लेते हो तो सबसे पहली बात ये है कि आप टेम बर्ड लीजिए। टेम्ड बर्ड का आपका ये बेनिफिट होता है कि वो आप केज में नहीं रखोगे, आप उनको सबको बाहर रखोगे, ठीक है? आप केज में रख के वाइल्ड बर्ड्स को रख के कोई फ़ायदा नहीं होता, और इसी चीज़ के लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉबी क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर कि वो लोग टेम्ड बर्ड रखें, जिससे कि वो बर्ड को फ्री छोड़ सके और अपना मतलब कि जो हॉबी है पूरी कर सके। और बर्ड्स की क्वालिटी आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, अदरवाइज हमारे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट में सब कुछ डाला हुआ है, फीड में डाला हुआ है, क्वालिटी चेक करनी है आप क्वालिटी के लिए ज़रूर आएँ, ठीक है? और भाई को तो मैंने दिखा दी क्वालिटी हमारी कैसी होती है, बहुत अमेजिंग। सीरियसली गाइस, बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकता कैसी क्वालिटी, जैसे कि आप ये देख लो बिल्कुल हेल्दी बर्ड है, और फीड भी ऐसा नहीं कि सस्ती वाली यूज़ करवाते, राइट? बिल्कुल अच्छी और महंगी फीड यूज़ करवाते हैं, फीड का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है फीड में, राइट? तो एक बार फीड भी दिखाओ, तो फीड भी भाई ये वाली यूज़ कराते हैं, 821। यस, तो हैंड फीडिंग में और टेम बर्ड टेम करने में सबसे ज़्यादा मेन रोल जो होता है वो हैंड फीड का होता है, हैंड फीड का होता है, और थोड़ा सा स्किल्स भी मैटर करती हैं, ठीक है? तो बाकी अभी दिखाते हैं आपको कैसे कैसे बर्ड्स होने वाले हैं मेरे पास, और कौन कौन से वैरायटी मिलेगी, सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो चलिए चलते हैं। और भैया एक बार एड्रेस बता दो। एड्रेस है हमारा लक्ष्मी नगर, नियर मेट्रो गेट नंबर 5, आप वहाँ के कॉल कर सकते हैं, और हाँ बाकी कॉल कर लेना, मेट्रो भी नियर है, बहुत नियर बाय मेट्रो है ना। तो चलिए जल्दी से दिखाता हूँ, और मेरे को भी कुछ बर्ड्स बाय करने तो वो भी बाय करेंगे, दिखाएंगे और जल्दी से चलते हैं। ये हमारे ग्रीन चिक कन्यूर है, ये भी सुपर टेम्ड है, और ये इंडोर ट्री फ्लाई करते हैं, इसका नाम है स्वीटी, ठीक है? स्वीटी स्वीटी कम स्वीटी, इसे अगर फ्लाई करने के लिए बोलेंगे तो अपना भी फ्लाई करने के लिए चली जाएगी। ओके, मतलब आपके कमांड पे फ्लाई करेगी? हाँ, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, आराम से घूमेगा, आराम से, और क्या फिर अपना आएगा। कम सीडी आ रहा है, टेस्ट क्या है? कम सीडी अभी उसका मूड नहीं है। हाँ, ये येलो साइडेड कन्यूज है, ये भी फुल्ली टेम्ड है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, रेड फैक्टर, हाँ, ये कुछ को सिंगल रेड फैक्टर में, कुछ एक नॉर्मल है इसमें। ओके, ये थोड़े ड्रामे, हाँ अभी ज्यादा ड्रामे दिखा रहे हैं कैमरे के सामने, उनकी हरकत है, वो अपने बॉडी बेस पे खाना, उनका खाना हो चुका है, अच्छा करते करते थोड़ा ये
येलो सैंडेड का चिक है, हैंड थ्रेडिंग चिक, ठीक है, इसके बहुत चिल्ला रहा है। हाँ, इसको कितना भी खाना खिलाओ ये फिर भी खाना मांगते रहता है। और ये तो हर बेबी बर्ड का काम ही है कि वो खाना मांगते ही रहते हैं। हाँ, खाना खिलाने के बावजूद भी। वाओ, ये भाई बड़ी मस्ती कर रहा। अरे अरे, मेरे पास नहीं आया भाई, वो मेरे को जानता नहीं। और ये भी टीम है सारे क्रोकोडाइल्स। इसमें ये एल्बिनो है। अच्छा, वो भाई कैमरे पे बैठे हैं। ओ माय गॉड भाई, काटेगा क्या? भाई ये देखो कहाँ बैठे हैं। ओ भाई उतर जा। अरे ये देखो, चलो आगे दिखा दो भाई। ओ भाई, इसे मेरा सर ज़्यादा पसंद आ गया है, ठीक है, तो अभी इसे हटा दो। चलो भाई, ये एल्बिनो है जो वाइट कलर के होते हैं, एल्बिनो होते हैं। ये फॉन वाइट फेस है एंड ये वाइट फेस है। वाइट फेस, हाँ, वाइट में वाइट फेस, वाइट। ओके, ये भी टेम्ड है। ये सारे टेम्ड है, सारे हैंड फीडिंग करते हैं। ओके, हैंड फीडिंग, और इसका मीन कि हैंड फीडिंग कर रहे हैं। हाँ, ये हैंड फीडिंग टू टाइम हैंड फीडिंग पे। अच्छा, हाँ, ये हमारा शुगर ग्लाइडर का पेयर है, बट ये बाहर नहीं आते। अच्छा, शुगर ग्लाइडर भी आपके पास? हाँ, ये बाहर नहीं आते, अंदर इनको पसंद है। हाँ हाँ हाँ, और ये हमारे ये नॉर्मल ग्रे। ओके, और ये सिनेमन पर्ल कॉकटेल है। ओके, वैसे प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है ना, एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स वगैरह। हाँ, ना क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होता है, वो भी मतलब इस दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है कॉकटेल का ही हमारा उसमें। हाँ, और मैंने एक चीज़ और देखी है, इन भैया के जैसा कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं रखता, मतलब सीधा वाइल्ड ही सेल करते हैं सर ज़्यादातर। हाँ, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं कि पहले ब्रीड करवाएं फिर अपना हैंड फीड कराएं। वही है कि जो चीज़ हम ब्रीड कराते हैं उसमें मज़ा हमारा ये है कि जो हम ब्रीड कराते हैं वही हम सेल करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरेंज करके जो दूसरे दे देते हैं कि हाँ अरेंज करके दे दो, हमारा वो नहीं रहता कि हम अरेंज करके दें, बट ये कि हमें जो हम खुद की ब्रीड लेते हैं हम उसको ही टेम करते हैं। बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा लगे। तो ये सारे, ये तो अभी काफ़ी लिटिल चिक्स हैं। हाँ, ये हैंड फीडिंग चिक्स हैं। बिल्कुल, फिलहाल ये उठाएंगे क्योंकि इनकी मदर इनको फीड नहीं करा रही। ओके, तो इस वजह से हमें उठाना पड़ गया हैंड फीडिंग पे। ओके, देखो भाई खाना मांग रहे हैं यार, ये तो फिंगर लेके जाओगे तो पीछे बढ़ जाएंगे, पेट भरा हुआ इनका। ये देखो, वेरी नाइस भाई, देखो। चलो भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, सीरियसली अमेजिंग। और फिर से एक बार दिखा दूँ भाई, बजीज भी हैं। ये बजीज आपको टेम मिलेगी, टेम भाई ले सकते हो, वाइट पेयर आपको चाहिए तो वाइट पेयर भी आपको मिल जाएगा, बजीज में मिल जाते हैं। बजीज और फिंचेस, हाँ, फिंचेस तो ऑलरेडी होती हैं, टेम वो कभी काटती नहीं है, कभी बाइट ही नहीं करेंगे आपको। सो गाइस, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा नॉइज़ के लिए, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पे, काफ़ी चिल्ला रहे हैं, उसका मतलब उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना। बाकी आपको न्यू बॉर्न बेबी भी दिखाते हैं जो कि कॉकटेल के हैं, है ना, तो दिखाता हूँ आपको। ओ वाओ, नाइस, वेरी नाइस, न्यू बॉर्न बेबी, वाओ यार, सी कितने लिटिल्स हैं यार, देखो बहुत अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। और ये सारी ये ब्रीडिंग पेयर है, ये भी ब्रीडिंग पेयर है, जैसे कि वो आप देख रहे हो वहाँ पर जो पॉकेटल्स हैं उनकी ब्रीडिंग खत्म हो चुकी है, तो शिफ्ट कर दिया हो गया। ओके, अभी ये इनका खत्म हो रहा है, लास्ट ब्रीडिंग सीजन जो है इनका खत्म है। हाँ, अब खत्म हो चुका है, अब इनका सर्दियों में आएगा दोबारा से, तो इनको दोबारा से इसके पूरा डाल देना है, मतलब शिफ्ट वाइज। ये बर्ड को हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने तक का रेस्ट देते हैं, ये बर्ड अपना आराम से क्या 6 महीने में 3 बार क्लच देते हैं। हाँ, हर 6 महीने में 3 बार क्लच मिल जाते हैं इनसे। हाँ, 3 बार क्लच मिल जाए, एक क्लच, क्लच का मतलब आपको समझा दो, क्लच मतलब एक ब्रीड। हाँ, एक बार एग दे दो, हाँ, जो एग का पूरा लेगा वो। हाँ, पूरा प्रोसेस जो होता है। तो गाइस आपको अब दिखाते हैं शुगर ग्लाइडर, देखो ये लालच के बिना आते नहीं है बाहर। ठीक है, तो ये मैंने टमाटर दिया उसके सामने, चूहे की तरह इसको जाल से पकड़ना पड़ता है भाई, स्मेल लेके अपने आप आ रहे हैं। मेल है, मेल इसके पीछे आ रहा है। ओके, देखो अंदर लेके चले जाएगा उसे। वाओ यार, भटक गए, वेरी नाइस।
ये भी आपके पास मिल जाएंगे? ये टेम मिल जाएंगे बट अभी तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये भी हमारी खुद की ब्रीड नहीं हुई है। अच्छा, अभी इनकी ब्रीड होती है वैसे आपके पास? हाँ। ओके, सो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और इस समय काफी ज्यादा गर्मी थी दिल्ली में, तो आकर पहले फ्रेश हुआ, फेस अभी आपको इतना खास साफ सा दिख रहा होगा क्योंकि उस समय काफी डल हो चुका था, धूप भी ज्यादा है और गर्मी भी है काफी, तो ये सारी रीजन है। और दिल्ली में काफी ज्यादा गर्मी भी हो गई है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और घर आ गया मैं और जहाँ मैंने वीडियो बनाई, आप पहले बताओ कि कैसी लगी आप सभी को वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मेरे को थोड़ा अप्रिशिएट करो और थोड़ा सा बताओ कि किस तरह की वीडियोस बनाओ। इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो थोड़ा और बताओ। तो ये सारी चीजें हैं, भाई के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, उनका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, उनका शॉप का एड्रेस मिल जाएगा, वो सारी डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। एंड वो जो भी है ग्रेट आदमी है, सीरियसली ग्रेट पर्सन है, और उनके पास जो वैरायटी है सीरियसली पूरी दिल्ली में मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी। बिकॉज मैं जानता हूँ मैं पेट लवर हूँ, ये चीज मैं अभी यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, इससे पहले शायद मैंने कभी यूट्यूब पे ये नहीं दिखाया, बट ये चीज दिखा रहा हूँ और आगे कोशिश करूंगा कि इस तरह की वीडियोस आपको दिखाऊं अपने पेट से रिलेटेड, क्या उनको खाना दे रहा हूँ, लाइक कौन सी ब्रीड रख रहा हूँ मैं, मतलब क्या क्या चीजें मेरे पास है, सारी चीज आपको बताऊंगा। तो आगे की वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और इस तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आऊंगा। और मैंने काफी सारी चीजें सोची है, तो वो जो प्लान है हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या प्लान होने वाले हैं अपनी वीडियोस के लिए, मतलब क्या हमारे मैं क्या क्या गियर्स यूज करता हूँ और फ्यूचर में क्या क्या गियर्स आने वाले हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह के कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको डिस्कस होंगी नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं उस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय।